नमस्कार, मैं कोको वेदी आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कर्ड राइस यानी कि दही वाले चावल बनाना बताऊँगी। ये साउथ की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है। इसमें हमें कौन सा चावल चाहिए, कितना उबालना है और उसमें किस किस चीज़ों का प्रयोग करना है, इसका तड़का कैसे लगाना है, तो ये बहुत सिंपल लेकिन छोटी छोटी बातों का हमें विशेष ध्यान देना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें छोटे चावल का प्रयोग करना है, बासमती चावल का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर मैंने चावल को कुकर में डालकर 4 से 5 सीटी लगाकर अच्छे से बॉईल कर लिया है, क्योंकि हमें कर्ड राइस बनाने के लिए बिल्कुल गले हुए चावल चाहिए, जिससे कि हमारे कर्ड राइस बिल्कुल क्रीमी बनकर तैयार होंगे। इसमें हमने 1 कटोरी दही डाला है। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए। फ्रेश दही से इस रेसिपी में एक बहुत अच्छा सा स्वाद आएगा। अब दही और चावल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। इसका तड़का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए आप पूरी रेसिपी को ध्यान से देखें बिना स्किप किए हुए, और आप भी इसी तरह से कर्ड राइस बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जितना इसमें दूध लगेगा उतना हम डालकर मिलाते जाएंगे। यह रेसिपी इतनी आसान है कि बैचलर, बिगनर या जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, कोई भी बड़े आराम से बना सकते हैं। अगर आपके पास रात या सुबह के चावल बच गए हैं खाने से, तो आप उन चावलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और अगर उबले हुए चावल रखे रहेंगे तो फिर तो आप इस रेसिपी को बिल्कुल 2 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस सारी चीज़ें मिक्स करके आपको तड़का लगाना है। अगर आपको मेरी आज की यह आसान सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की यह रेसिपी कैसी लगी। इसमें हमने 1/2 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी जगह हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। अगर आपका कभी भी खाना बनाने का मन ना हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये बेहद आसान रेसिपी है। अगर चावल फ्रिज में उबले हुए रखे हैं तो फिर इसका कुछ जवाब ही नहीं है कि कितना आसान है। अगर चावल फ्रिज में नहीं भी उबले रखे हैं तो आप फटाफट से कुकर में चावल उबालें और इस रेसिपी को बना डालें। ये हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हमने 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है। इसमें देसी घी का तड़का बहुत अच्छा लगता है, तो आप अगर हो सके तो देसी घी से ही तड़का लगाएं। और अगर आप देसी घी नहीं खाते हैं तो आप जो भी खाते हैं उसका तड़का लगा सकते हैं। घी को हमने गर्म कर लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून हमने चने की दाल डाली है और 1 टेबल स्पून इसमें हम उड़द की दाल डालेंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से भूनने देंगे। हमें जो चीज़ें ज़्यादा भूननी है उसको सबसे पहले हमने डाल दिया है और जो चीज़ें कम भूननी है उनको बाद में डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें हमने हींग डाली है। हींग का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन तीनों चीज़ों को हम गैस में अच्छे से पकाने के बाद आपको दिखाते हैं और फिर इसमें और क्या चीज़ डालते हैं वो भी आपको बताते हैं। दाल और हींग को हमने अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच मस्टर्ड सीड डालेंगे, जिससे इसके तड़के में जान आ जाएगी और ये बहुत टेस्टी लगता है। 2 साबुत लाल मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। इसमें हमने 3-4 काजू जिनको आधा आधा कट करके डाल दिया है। काजू डालने से हमारी आज की इस रेसिपी में एक अच्छी सी रिचनेस आएगी। रेस्टोरेंट वगैरह में जब हम कर्ड राइस खाते हैं तो वो लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जिससे कि उनके कर्ड राइस बहुत अच्छे होते हैं। थोड़े से हमने इसमें हरी धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, और अगर आपको कच्ची अदरक खाना पसंद है तो इसमें थोड़ी सी कच्ची अदरक को बारीक कट करके आप डाल देंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम सर्व करेंगे।
आपको साउथ की कौन कौन सी रेसिपी पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक बार इस कर्ड राइस को भी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये लीजिए आज के हमारे कर्ड राइस बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं, कितने रिच और क्रीमी दिख रहे हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक प्लेट ली है और उसमें अपने इस कर्ड राइस को सर्व कर देते हैं, और इसके साथ हम कुछ पापड़ और अचार भी सर्व करेंगे, क्योंकि साउथ में ऑथेंटिक तरीके से इनको पापड़ के साथ ही सर्व किया जाता है और साथ में अचार भी रखते हैं। पापड़ का नाम मुझे नहीं पता है, मेरे पास जो पापड़ हैं उनको मैंने भून कर रख दिया है और ये आम का अचार रख दिया है। इस तरह से हमारे कर्ड राइस की प्लेट लगकर तैयार हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।